ये तो क्रिसमस वाला लुक लग रहा है। क्या स्वागत में लोग आ गए हैं। पटेल है, पटेल 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 कौन है? वही यार हमारा दोस्त गब्बर। हाय गब्बर, हां व्हाट्सअप गब्बर सिंह। आजकल मैं बहुत पबजी खेल रही हूं। पबजी किसके संग? किसके संग? क्यों? वो सीमा है ना? कौन सीमा? सीमा बाहर आ गई है पबजी खेल के। आशिक आशिक बनाया आप भी कहीं और जाओगे तो फिर तो आजकल पबजी खेलेंगे ना तो जोड़ी अच्छी बन जाती है। अच्छा फॉरएवर ये अच्छा पाकिस्तान से अच्छी जोड़ी बनी है ना वो लड़की सीमा की। हां वाओ, तो पबजी खेलना बहुत जरूरी है। तो आपके साथ कौन खेल रहा है अभी? ढूंढ रही हूँ। ये दीपेश भी खेलता है पबजी? हाँ। नहीं मैं नहीं खेलता काम में से फुर्सत नहीं मिलती निकालने का। थोड़ा पीछे चलो तुम लोग। क्या एकदम आ जाओ तुम थोड़ा पीछे जाओ। हाँ नहीं हमको भी एक जीवन साथी मिल जाए पबजी खेलते खेलते। अभी मेरे को जीवन साथी की बहुत सख्त जरूरत है। जीवन साथी हम दिया और बाती हम। ये जो सीमा है, ये जो सीमा सीमा पार से आई है पबजी खेलते खेलते, तो वो बिग बॉस में जा रही है ना? हमने सुना है बिग बॉस जा रही। बिग बॉस 17 में है खतरा, क्योंकि मैं जाऊंगी राखी सावंत बिग बॉस 17 में और सबकी वाट लगा कर आऊंगी। क्या लगा के आऊंगी? सोलो में वाट। सोलो सोलो क्या सोलो? वही ना 17। अरे 17 में मतलब कपल वर्सेस सोलो है ना? हाँ तो आप सोलो में जाओगी कि कपल में? क्यों अभी सब पबजी खेल रही हूँ ना। पबजी खेल के पार्टनर मिल जाएगा तब तक कपल कैसे मिलेगा? कपल से सीधा बिग बॉस 17 में नहीं भी मिलेगा तो आ जाएगा। आपको कैसा लगेगा जो मैं बिग बॉस 17 में जाऊंगी? होगा राखी का सबसे बड़ा खतरा। पर आप अकेले रहोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ क्यों आप अकेले अकेले काफी हो ना सबके लिए? अकेले काफी हो? मैं बिग बॉस में नहीं। मैं अकेले 1000 के बराबर हूँ। वही तो किसको ढोकना है बोलो? मैं तो ढोक के आ जाऊँ। वो किधर गया गब्बर? गब्बर किधर गया? मुझे मेरा कपल मिल गया। गब्बर कहाँ? हाँ उसको ही लेके जाओ। ये गब्बर पटेल कहाँ है? गब्बर तो था नहीं अभी तो था। किधर है गब्बर? कहाँ है गब्बर? गब्बर कहाँ है? गब्बर पार्क कर रहा है शायद। वो कालिया को ढूंढने गया है। हाँ बोलो राखी जी आज नारे लगे आपके नाम के। किधर? नेल आर्ट स्टूडियो पे। हाँ गली गली में शोर है करके। नो कमेंट। राखी चोर है। चिल्ली चोरों को मुंह नहीं लगाती। या श्योर यू कैन हैव अ पिक्चर आल्सो यू कैन हैव व्हाटएवर यू वांट टू हैव कम। अब मना कर दूंगी तो लोग यही छापेंगे कि देखो फैंस के साथ कैसे बिहेव करती है। इनका तो फोन ही नहीं मिल रहा। चलो क्या हुआ? हैंग हो गया आईफोन हैंग। हाय लोग सिर्फ मेरे फैंस बनते हैं। एसी कब बनेंगे? तो ऐसे बोलते हैं। इज्जत से नाम लिया करो। तुम्हारी होने वाली प्रधानमंत्री हूँ एक दिन। इज्जत से नाम लिया करो। तुम्हें कैसा लगेगा एक दिन मैं पीएम बन जाऊंगी? तो एक दिन की भी आपको लगता है मैं देश को सुधार सकती हूँ? हाँ अच्छा से बोलो। या कोई भाई ना क्या? वाह हाँ तुम लोग को जब मीडिया आती तभी तुम लोग को सेल्फी लेने मिलता है। आ जाओ सेफली। कहाँ से आई हो? चुंबी वाली से। मैं कहाँ हूँ इसमें? तुम खुद को ही ले रही हो। मैं कहाँ हूँ? अरे मेरा भी तो लो। मैं कहाँ हूँ? इधर आओ। खुद का ले रही हो? खुद की सेल्फी ले रही हो? मेरी तो ले ही नहीं रही हो। गब्बर आ गया। गब्बर आ गया। किसी गब्बर आया? ए गब्बर, ए गब्बर इधर आ जा। राखी बुला रही है। मैडम बुला रही है। दोस्तों आप टेंशन ले, मेरे पास गब्बर है बिग बॉस का पार्टनर। अरे भाई अभी भाई मैं चमकने वाली भाई। अच्छा भाई जल्दी। अरे जल्दी जाओ। गब्बर सिंह बिग बॉस 17 में होगा। हम गब्बर और राखी का खतरा करेंगे। नाच बसंती नाच। बोलो नाच बसंती नाच। बोलो नाच बसंती नाच। तुम बोलो तो सही कितने आदमी चुप लगा जाके। अरे कहाँ है? अरे कहाँ?
पटेल जिप लगा बे। पटेल कितना बड़ा खतरा है बिग बॉस 17 में, कितना बड़ा खतरा है। कबर तेरी बैंड बजाओ मैं। बाबा बन रहा है दूसरा बिग बॉस में, जो बाबा आए थे ना वो बन रहा है दूसरा। वो बाबा निकल लिया ऊपर। खबर तू किधर से आया ये सब? दो माले पे क्या कर रहा था ये सब? खोल खाल ये खोल खाल के कौन सा डांस कर रहा था बे? गाना कौन सा गा रहा था? गला है मेरा पिंजरा है। अभी ये कैंसिल, अभी नहीं जाएंगे बिग बॉस। अब जाएगा ये बिग बॉस हमारे साथ, चलेगा ना? आजा भाई इधर आ। राखी सावंत के बाजू में खड़ा रहने का मौका मिल रहा है। जा। चार बन जाएगा। इसके साथ ही जाऊंगी आज बिग बॉस। ये कितनी गर्मी क्यों है? ऊपर से तुम भी गर्म। गब्बर का किधर गया गब्बर? पैंट बनाने। लेकिन लड़के के बाजू में खड़ा रहता, उसकी शर्म नहीं आती? जिप सब खोल खा के शर्म कर बेर गब्बर। हमेशा वो पैंट निकल रहा था ना गब्बर वाली पैंट, बेल्ट निकल रहा था वो गब्बर गब्बर की। अरे जा गब्बर, ये जाना गब्बर, जाना। अरे जा, अरे जा जा गब्बर। उसने चेन लगा ली इसलिए नहीं आ रहा। सारा मैं बहुत बड़ा नल्ला है ये, मैं रोज आता रोज बोलते रहता है ये गब्बर बहुत बड़ा नल्ला है। हाँ जी बोलिए, क्या पूछना था आपको? पूछे तुमने मुझे जिंदगी में जिम करने दोगे? बोलो पूछो। हो गया राखी जी, आंसर दो कुछ, रिप्लाई। अभी क्वेश्चन वही क्वेश्चन का काउंटर काउंटर किस बारे में? वही क्वेश्चन, नारे लगे उसके बारे में कुछ? उसके बारे में हम बात नहीं करते, सॉरी। चिंदी चोरों के बारे में बात नहीं करते। ये काउंटर था ये क्या जो आपने बोला? राखी जी और कुछ नया क्या करने वाले हो अभी? हाँ कुछ नया, कुछ नया। हाँ कुछ नया क्या करना चाहिए मुझे? आपका गाना और वो पिक्चर आने वाली ना आपकी। कुछ नया क्या? चांद पे जाऊँ क्या? हाँ चांद पे जाने वाले थे आप, बोले रूम लेने वाले, बोलो मोदी जी को जगह लेने वाले कि मुझे चंद्रयान में यू नो रॉकेट को आप लोग इतना फुकड़ में फ्यूल डाल के ऊपर उड़ा देते हो, मुझे बिठा दो अंदर चांद में से क्या लेकर आऊंगा? उधर से तो अभी पत्थर ही आ रहे थे, दूसरा तो कुछ नहीं मिल रहा। चांद, चांद पे हमको जाने का मौका मिलना चाहिए। मैं तो चांदनी हूँ, चांद पे जाने का मुझे मौका मिलना चाहिए। चलो चलो चलो, बहुत हो गया, बहुत बहुत हो गया, बहुत हो गया, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। आज गर्मी बहुत है, बहुत ज्यादा गर्मी है। तू कौन, ये पीछे से कौन सा शॉट ले रहा है? ये कौन सा शॉट है भाई? बस बस बस, बहुत दूर हो गए। राखी जी बैक लुक। चलो भाई साहब, इतनी भीड़ क्यों लग रही है बताने? फोकट में आपके फैंस हैं, थिएटर में जाओ। थैंक यू फॉर कमिंग फिल्म लगी है, अक्षय कुमार की वो फिल्म लगी है मिशन, कौन सी? रानीगंज, रानीगंज मिशन रानीगंज। फोकट में जब खड़े हो तो तमाशा मत देखो। राखी जी, एल्विश और इसका गाना आ रहा है, मनीषा रानी का, एलविश यादव और मनीषा रानी का गाना आ रहा है। गाना आ रहा है क्या? वेरी गुड एलविश, और वेरी गुड कांग्रेचुलेशन। तुम लोग खुद के पास है, तुम खुद ही नल्ले हो, कोई सवाल है तुम्हारे पास? आपका कुछ गाना नहीं आ रहा है, तुम्हारे पास कोई सवाल है मेरे लिए? फालतू लोगों के जो चिंदी चोर है उनके सवाल तुम लोग लेकर आ जाते हो। हाँ आपका सवाल पूछा आपने, बोला रिप्लाई नहीं देना उसके पीछे, नो कमेंट। अरे तो तुम्हारे पास वही फालतू लोग रह गए हैं क्या? राखी जी आप कल पिक्चर देखने गए थे आप?
पिक्चर देख के आया, थैंक यू फॉर कम। कौन सा देख? अक्षय कुमार। हाँ कल मैं थैंक यू फॉर कमिंग फिल्म देखने गई थी। कैसी लगी? कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। एक सामाजिक, अरे यार इसने लाइट भी बंद कर दी। चलो अपने पास लाइट है उसको सही। ये सामाजिक फिल्म है, बहुत अच्छी है, पारिवारिक फिल्म है, मुझे लगता है लोगों को देखना चाहिए। इसमें एजुकेशन पे है एक्चुअली। देखा कि नहीं आप लोगों ने भूमि पढ़ने का? और सबका बहुत अच्छा काम लगा मुझे उसमें। शहनाज का? हाँ हाँ, कब से वो लोग कह रहे थे थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग, यू नो। और मैंने वो भी फिल्म देखी अक्षय कुमार की, कोयले की खान वाली, इट्स अमेजिंग फिल्म। मुझे लगता है अक्षय की फिल्म जाके देखना चाहिए लोगों ने, बिकॉज इट्स अ यू नो ट्रू स्टोरी। वो कोयले की खान में जो सब फंस जाते हैं, बाढ़ आती है, आपको पता है ना कोयले की खान में जब फंस जाते हैं ना सब लोग, अंदर जाके फट जाते हैं, तो एक अमेजिंग फिल्म है वो अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार की फिल्में मुझे बहुत पसंद है, देश के ऊपर फिल्म होती है और एक मैसेज की फिल्म होती है अक्षय कुमार की। वैसे थैंक यू फॉर कमिंग भी एक मैसेज के ऊपर फिल्म है। कोई ऑर्गेजम रहता है, जोर जोर से चिल्लाते आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रहा, वो भूमि भूमि का ऑर्गेजम बाहर क्यों नहीं आ रहा, वो भी ठीक है, समझ में नहीं आता कि ऐसी फिल्में अभी अलाउड है, आजकल तो सब चलता है। राखी जी भाईजान को पहले धमकी मिली थी और अभी शाहरुख खान को धमकी मिली। कुछ नहीं, ये सब फालतू बातें मुझसे नहीं करने का, ओगेजम की बात करने का, थैंक यू की भूमि पढ़ने कर की। देखिए तुम लोगों ने, हमको टिकट नहीं, जाके देखो पता चलेगा तुम लोग कि आदमी लोग एकदम नल्ले होते हैं। चलो हटो, यार तुम लोग।